वेलकम है गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 10 का पार्ट 3। ठीक है, तो इस पार्ट 3 में हम शुरू करेंगे साइटोकाइनेसिस को, और साइटोकाइनेसिस के बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं साइटोकाइनेसिस को। क्लियर। अच्छा, इससे पहले हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके दो दो न्यूक्लियाई जो उसने डॉटर न्यूक्लियाई बना दिए थे। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है साइटोकाइनेसिस, जहां पे क्या होगा, एक्चुअल में जो एक सेल है ना वो डिवाइड होकर दो सेल बना देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माइटोसिस अकॉम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई मींस कैरियोकाइनेसिस, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। अब क्या बोला, माइटोसिस देखो कब कंप्लीट होता है। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और वो जो दो दो न्यूक्लियस बनेंगे उनके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम उनमें चले जाता है। बट कैरियोकाइनेसिस के बाद एक और स्टेप होता है जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका सेपरेशन हो जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो माइटोसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इन अ एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय द अपेयरेंस ऑफ ए फरो इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम यहां पे देखो, अब हम यहां पे ना साइटोकाइनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें, हमारे पास क्या है, दो सेल है, एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल सेल में, से तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट जो हमें अभी यहां पे ध्यान रखना है, कंसिडर करना है, वो कौन सा है कि जो प्लांट सेल होता है ना उसमें सेल वॉल होती है बाहर से, बट एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, उसको कंसिडर करके हम इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, यहां पे ना एक फरो का फॉर्मेशन होता है। अब ये होता क्या है, फरो का फॉर्मेशन होना मतलब क्या, देखो ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, यहां पे कैरियोकाइनेसिस हो गया, ये दो न्यूक्लियस जो है ये डेवलप हो गए, बन गए दो न्यूक्लियस। अब यहां पे साइटोकाइनेसिस होना है, तो साइटोकाइनेसिस होने के लिए यहां पे क्या होता है ना, फरो का फॉर्मेशन होता है। फरो मतलब इस तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनवर्ट चली जाती है, अंदर को चली जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो फरो ये डीपेन होता रहता है, मतलब ये और ऐसे अंदर को जाता है, फिर ये और ऐसे अंदर को जाता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये जो फरो है ये आपस में मिल जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। मतलब इससे क्या हो जाएगा, फिर एक सेल से, मतलब इस तरीके से क्या होगा, दो सेल यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो फरो बनता है सबसे पहले, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर को डीपेन होती है, और फिर वो डीपेन होते 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 जब वो मिल जाती है, ये जब इससे मिल जाएगी तो दो सेल बन जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे फरो बनता है और वो डीपेन होता है, तो यहां पे हो क्या रहा, सेल मेम्ब्रेन का इन वेजिटेशन हो रहा, इन वेजिटे वेजिटे वेजिनेट सॉरी इन वेजिनेट हो रहा है। इन वेजिनेट मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर को क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है, अंदर को जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसमें, एनिमल सेल में। इसमें क्या होता है, फरो जो होता है वो डेवलप होता है, बनता है, और फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो फरो क्या होता है, डीपन होता रहता है और फिर ये आपस में मिल जाता है और इससे दो सेल बन जाते हैं। प्लांट सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल। अब जो प्लाज्मा में प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या मिलता है, सेल वॉल मिलती है, जो कि इन एक्सटेंसिबल होती है, मतलब वो रिजिड होती है, सॉलिड होती है ना। तो वो जो जो हमारी सेल वॉल है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, वो तो ऐसे अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि तो रिजिड है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो इसमें अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इन प्लांट सेल्स, एक मिनट, इन प्लांट सेल सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है वो सेंटर से शुरू होता है, सेंटर ऑफ द सेल से शुरू होता है, एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एक्जिस्टिंग लेटरल वॉल। ठीक है, हम इसको ना समझ लेते हैं पहले, यहां पे हुआ क्या। एनिमल सेल में तो हमने समझ लिया, फरो बनता है, ठीक है, फरो डीपेंड होता है और दो सेल बन जाते हैं। अब प्लांट सेल की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये प्लांट सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल में क्या होगा, ये बाहर ये होगी सेल वॉल, ठीक है, ये हो गई सेल वॉल, और इसके अंदर क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, उसके अलावा दो न्यूक्लियस यहां पे डेवलप हो गए, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब यहां पे ना एक वर्ड हम देखेंगे, ठीक है, वर्ड क्या है, एक फ्रेग्मोप्लास्ट। ये वर्ड क्या है, फ्रेग्मोप्लास्ट। अब ये फ्रेग्मोप्लास्ट क्या होता है, जो यहां पे रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर बच जाते हैं ना, जो रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर यहां पे आफ्टर कैरियोकाइनेसिस बच जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेग्मोप्लास्ट। ठीक है, और ये फ्रेग्मोप्लास्ट देखो ऐसे करके ये आ रखे हैं, ठीक है, ये इधर को आ रखे हैं, इधर से भी आ रही है, मतलब दोनों तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, फ्रेग्मोप्लास्ट जो रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर है उन्हें बोलते हैं।
अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है ना, ये एक सपोर्ट देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं, सपोर्ट देते हैं किसको, एक वेसिकल को। इसको बात समझना, क्या हुआ जो रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर है उन्हें बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। अब वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आ गई है, बीच में इधर को आ गए। अब यहाँ पे ना एक वेसिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ये वेसिकल्स क्या होते हैं, ये वेसिकल्स मतलब गोल गोल से वेसिकल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं गोल्गी एपरेटस से, ठीक है। सेल के बीच में क्या होता है, कई सारे वेसिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जो कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटस बनाता है। इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, हमने क्या पढ़ा, प्लांट सेल में यहाँ पे रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर बचते हैं जिन्हें फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट सपोर्ट देते हैं ताकि जो वेसिकल्स हैं वो बीच में ऐसे अलाइन हो जाएं। और ये वेसिकल किससे डेवलप हुए, गोल्गी एपरेटस से डेवलप हुए, ठीक है। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या मिलता है, कैल्शियम पैक्टेट, ध्यान रखना। देन क्या होगा, ये जो वेसिकल्स है ना, ये वेसिकल बाद में डेवलप हो जाते हैं किसमें, मिडिल लैमिला में, ठीक है। ये क्या बना देते हैं, मिडिल लैमिला को बना देते हैं, जिसको सेल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सेल प्लेट भी बोलते हैं, हम अभी आगे देखेंगे। तो ये वेसिकल्स ने क्या बना दिया, मिडिल लैमिला बना दिया। और मिडिल लैमिला तो बना दिया, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ना सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये देख रहा, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, इधर भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। तो आप एक तरीके से यहां पे क्या देख रहे हो कि ये मिडिल लैमिला बना, उसके बाद यहाँ पे सेल वॉल बनी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ये सेपरेट सेल यहाँ पे डेवलप हो गया और एक ये सेपरेट सेल यहाँ पे डेवलप होने लग गया, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पे जो ये ये जो मिडिल लैमिला यहाँ पे बना, ठीक है, ये मिडिल लैमिला क्या है, ये बीच में डेवलप हो गया। और ये मिडिल लैमिला क्या होगा, ऐसे इधर को ग्रो करता जाएगा दोनों तरफ को, और फिर ये जो पहले से जो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट थी उससे जाके मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जो मिडिल लैमिला है वो क्या करेगा, बीच से बीच में वो डेवलप हुआ और फिर क्या होगा, वो दोनों तरफ को ऐसे ऐसे को इधर को जाने लगेगा, और जो पहले से जो यहाँ पे ये वाली जो सेल वॉल थी इससे जाके ये मिडिल लैमिला जो है इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अरे तो पूरा ही मिट गया, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये क्या हो रहा, हाँ ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा और फिर यहाँ पे सेल वॉल का, नई सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेल ये बन जाएगा, दूसरा सेल ये बन जाएगा। तो दो सेल के बीच में, प्लांट सेल में दो सेल के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे ये रहता है मिडिल लैमिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिडिल लैमिला जो है ये प्रेजेंट है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो लिखा क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। तो यहां पे जो नई सेल वॉल बनानी है ना, बीच में देखो यहां पे नई सेल वॉल बनानी है, तो नई सेल वॉल बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है, मतलब कि मिडिल लैमिला बनता है ना। और फिर मिडिल लैमिला क्या है, एक प्रिकर्सर है, मतलब जिसकी मदद से फिर आगे जाके सेल वॉल बनेगी, नई सेल वॉल, क्लियर। That represent the middle lamella between the wall of the two adjacent cell. तो ये हमने देखा भी, दो adjacent cell के बीच में क्या होता है, middle lamella का यहाँ पे development हो जाता है। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cell. अब जब cytoplasmic division होगा, मतलब cytokinesis होगा, उस time पे क्या होगा, जो mitochondria है, जो plastid है, ठीक है, और जो cell organelles हैं, वो क्या हो जाएंगे, distribute हो जाएंगे cells में, ठीक है। इधर चले जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स और इधर दूसरे सेल में भी सेल ऑर्गेनल्स चले जाएंगे, क्योंकि दोनों सेल में जरूरत है सेल ऑर्गेनल्स की। तो सिंपल सा ध्यान के रखना है, एनिमल सेल में फरो बनेगा और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगी, मिडिल लैमिला बनेगा, ठीक है, जिसकी मदद से फिर वहां पे बीच में क्या बनेगी, ऐसे करके है ना, बीच में सेल वॉल बनेगी और ये सेल वॉल जो है, जो पहले से सेल वॉल है उससे जाके जुड़ जाएगी और इस तरीके से एक ये सेल बन जाएगा, दूसरा ये सेल बन जाएगा, ठीक है। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. अब देखो कुछ organisms में क्या होता है ना, karyokinesis तो हो जाता है बट लेकिन cytokinesis नहीं हो पाता, मतलब nucleus का तो division हो जाता है बट cell का division नहीं हो पाता। As a result क्या होगा, of which multinucleated condition arise lead to the formation of syncytium. Syncytium क्या होती है, एक ऐसी condition होती है जहां पे क्या होता है, multinucleated condition हो जाती है cell के अंदर। तो जैसे जो liquid endosperm होता है coconut में, बात समझना, coconut होता है, कोकोनट में एक तो खाने वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो खाने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, और जो लिक्विड होता है, मतलब जो नारियल का पानी होता है उसको बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, उसको लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है ना, इसके अगर आप सेल को देखोगे ना, तो इसमें क्या होगा, मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन होगी। ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, ये जो पानी है, इसी पानी को लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं, और इसी लिक्विड एंडोस्पर्म के अंदर जो सेल है ना, उसमें क्या होगा, मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन होगी, ठीक है। अभी मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन क्यों होती है, कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया बट सेल का डिवीजन नहीं हो पाया,
तो क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके से रिमेन रह जाएगा। तो मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का अमाउंट जो है वो मल्टी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट का जो एग्जाम्पल है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। भाई माइटोसिस जो हमने पढ़ लिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें देखना है। तो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं माइटोसिस को, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल ओनली। अब जो माइटोसिस होता है जनरली किसमें होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होता है। डिप्लॉइड सेल मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल रहते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में जो डिप्लॉइड सेल होगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46। हाउ एवर इन सम लोअर प्लांट्स, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ ऐसे क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं या कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें जो हैप्लॉइड सेल होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, माइटोसिस से डिवाइड करता है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिविजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में माइटोसिस का कितना मतलब क्या रोल है। ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स? आपने कोई एग्जाम्पल देखा है तो उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स वाला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है कि कैसे कोई लड़का होता है, कोई लड़की होती है, मतलब कैसे कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है। तो इसमें एक आता है हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे बीज के बारे में। ठीक है, मधुमक्खी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो मक्खी होती है उसमें जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल होती है डिप्लॉइड बॉडी की, मतलब उसमें डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड बॉडी होती है उसकी, उसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 32। ठीक है, फीमेल में। अब फीमेल में यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। इसको थोड़ा समझना, फीमेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने से एग बनेगा, मतलब गैमेट बनेगा। अब मियोसिस हुआ है तो रिडक्शनल डिवीजन है, 32 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये एग बन गया। अब इस फीमेल में क्या होता है, कभी कभी ये जो एग है ना, ये जो एग है ये बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप हो जाता है, मेल में डेवलप हो जाता है। तो अगर ये एग डायरेक्टली डेवलप्ड हो जाएगा मेल में, तो मेल के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा, 16 रहेगा। इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें ये मेल का डेवलपमेंट हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग डायरेक्टली मेल को बना देगा। अब मेल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, हमने यहाँ पे देखा। अब ये मेल में क्या होगा, देखो मेल में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा, मेल में क्या हो रहा, माइटोसिस हो रहा, और मेल में ये हैप्लॉइड सेल है। इसका मतलब आप देख रहे हो, ये हो गया ना एग्जाम्पल, हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा। ठीक है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगा यहाँ पे 16, ये स्पर्म बन गया। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर ये एग, ये जो 16 वाला एग है और ये 16 वाला जो स्पर्म है, ये मिलेगा तो फीमेल बनेगी, और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से फीमेल बनती है। तो बी में क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल बनेगी, और विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल बनेगा। इसीलिए जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, और जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोनेंट्स। अब माइटोसिस में क्या होता है, जो डॉटर सेल्स बनते हैं, मतलब जो नए जो सेल्स बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। उनका जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। हम देखो, हमारी जो लाइफ शुरू होती है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, जाइगॉट से, है ना। फिर जाइगॉट में डिवीजन होता है, होता है, होता है, और इतनी पूरी क्या बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये कैसे बनी, माइटोसिस की मदद से। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी सेल की ग्रोथ होती है, हमने क्या पढ़ा है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जब भी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, उससे क्या होता है, जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझना। देखो, ये है सेल एक, ठीक है, इस सेल में ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, इसका हम एक रेशियो लेते हैं। मतलब ये हो गया, ऊपर हमने लिख दिया न्यूक्लियस का वॉल्यूम और नीचे लिख दिया हमने साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा। तो अभी ना रेशियो नॉर्मल है। ठीक है, अभी क्या है, रेशियो नॉर्मल है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेल की ग्रोथ होगी, सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करेगा मतलब इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब जो ये डिनोमिनेटर है ये बढ़ जाएगा, है ना, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब नीचे का, कभी भी डिवाइड में क्या होता है, जब नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो जो ओवरऑल जो रेशियो है वो कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे क्या समझी, कि जब भी सेल ग्रो करता है तो सेल के ग्रो करने से क्या होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो कम हो जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है,
और अब क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, पहले नॉर्मल था अभी डिक्रीज हो गया। तो अब ना सेल चाहता है कि यार मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया, वो डिक्रीज हो गया, तो वो डिवाइड क्यों होना चाहता है? देखो साइटोप्लाज्म हो गया बहुत बड़ा और न्यूक्लियस उतने का उतना ही है, तो न्यूक्लियस को ना बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को कंट्रोल करना होता है ना सेल को, तो अब बहुत सारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, सेल क्या चाहता है कि मैं अपने आप को डिवाइड कर देता हूं, जिससे जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ है वो फिर से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे सेल डिवाइड करेगा, और सेल डिवाइड करने के बाद ये एक सेल बना दिया, दूसरा सेल बना दिया, फिर से क्या होगा, इसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये भी सेल क्या करेगा, इस सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होगा, और फिर से ये डिवीजन होगा। तो इस वजह से सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो इट देयर फोर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो सेल को डिवाइड इसलिए होना पड़ता है ताकि वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर कर सके, जो नॉर्मल रेशियो है उसको ला सके। अगर इस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा प्लीज लाइक कर देना है, अगर अभी ध्यान आया मुझे, इस वीडियो में भी बोला नहीं मैंने अभी तक, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज लाइक लाइक लाइक, ठीक है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग वगैरह होती है, जहां पे चोट लग गई या कुछ है ना, तो वहां पे रिपेयरिंग करने का काम कौन करता है, माइटोसिस। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द इपिडर्मिस, हमारी जो स्किन होती है ठीक है, उसकी रिपेयरिंग करता है। मतलब हमारी सेल जो स्किन की लेयर होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, शेड होती रहती है, मतलब उसके सेल डेड होते रहते हैं, तो नए नए सेल आते रहते हैं माइटोसिस की मदद से। सेल ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द गट, जो हमारी गट होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो रहती है, वहां की भी लाइनिंग जो रहती है सेल की, उसमें भी माइटोसिस होकर नए सेल बनते रहते हैं। फिर जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ब्लड सेल्स क्या होते हैं आपको पता है, उनकी डेथ हो जाती है, जैसे आरबीसी 120 दिन तक रहता है और डब्ल्यूबीसी फ्यू वीक्स तक रहता है, तो वो जब उनकी डेथ हो गई तो फिर से नए सेल बनेंगे, तो नए सेल बनने के लिए भी यहाँ पे क्या है, ब्लड सेल बनने के लिए माइटोसिस होता है। आर बींग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, ठीक है, पुराने सेल की जगह नए सेल आते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन इन, हाँ चलो ये तो हो गया, आप तो नया है ना, माइटोटिक डिवीजन। अच्छा एक ना इसमें कंफ्यूजन मत होना, एक तो होता है मियोटिक डिवीजन, ठीक है, एक होता है मियोटिक, मियोटिक मतलब मियोसिस, और एक होता है माइटोटिक, माइटोटिक मतलब माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, आपको होता है प्लांट में मेरिस्टमेटिक और परमानेंट होते हैं, मेरिस्टमेटिक कौन से होते हैं जो डिवाइडिंग होते हैं, परमानेंट कौन से होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और हाँ एक और बात, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज ही जब डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो वही परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू कौन से, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब ये बात समझते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ शूट एपेक्स। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, शूट शूट ठीक है, शूट एपेक्स को देख रहे हो। इसमें क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है सबसे ऊपर टिप पे, एपिकल मेरिस्टेम, फिर एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और एक लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो यहां पे उसने बात करी एपिकल और लेटरल की, ठीक है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, जो लेटरल मेरिस्टेम है, इसमें क्या होता रहता है, इसमें माइटोसिस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिस वजह से क्या होता है, जो जो प्लांट है ना उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलती रहती है, उसकी ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूअसली रहती है। तो यहाँ पे लिखा भी है, रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में जो ग्रोथ हो रही होती है ना, वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तक, तो इसको बंद करते हैं, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। तो अब नॉर्मल बात करते हैं कुछ। तो वीडियो यार कैसा लगा, अगर ना सही लगा ना वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को आपने क्या करना है पता है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर भी करना है, ठीक है। देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, ठीक है, सुबह से बारिश है यहाँ पे। तो बाकी क्या बोलूँ मैं, बाकी वही यार, थोड़ा ना सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट थोड़ा चैनल पे भी कम है, व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि ना रोज़ वीडियो बनाऊँ, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और आज भी एक वीडियो मैंने ये बना दिया, ठीक है, इसको भी मैं अपलोड करूँगा, कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस क्या है ना, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, थोड़ा। और हाँ कंसिस्टेंट मैं रहता नहीं हूँ, मतलब आज वीडियो बनाया तो
6-7 दिन बाद फिर एक नई वीडियो आती है, तो टाइम का थोड़ा सा पंगा रहता है, बट लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि रोज मैं वीडियो बनाऊं, कोशिश नहीं मतलब श्योरिटी है, वैसे तो कई बार बोल दिया, बट लेकिन मैं इस बार रेगुलर रहूंगा, ठीक है। क्योंकि ना बीच में एक वीडियो आया था, एक कमेंट आया था किसी का ना, एक स्टूडेंट का, तो उसकी बात मुझे थोड़ी सी सही भी लगी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि सर आप ना एक चैप्टर को ख़त्म करने में 1 महीना लगाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब 3 चैप्टर उन्होंने रिक्वेस्ट करे थे अपने कमेंट में, ये 3 चैप्टर तो मुझे लगता है कि 3 महीने बाद जाके कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो सही में किसी की भी प्रिपरेशन सही से हो नहीं पाएगी ना, है ना। कोई अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा तो वो इतना रुकेगा नहीं, तो फिर वो दूसरे चैनल पे जाएगा ही जाएगा ऑब्वियसली। तो वो चीज़ मुझे भी सही लगी और इसीलिए मैं अब वो वीडियोस जो हैं मतलब कंटिन्यूसली आपको रोज वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसीईआरटी का ज्ञान, इसकी वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, बाय बाय।